नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बी कीपिंग, दैट इज एपिकल्चर। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिक पॉइंट्स ढूंढ रहे हो तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के शुरुआत के 5-6 वीडियोस देखिए, उसमें सारे बेसिक्स कवर कर लिए। इस वाले लेक्चर में हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे बेटा। अब बी कीपिंग दैट इज एपिकल्चर, उसके लिए हम लोग को चाहिए आर्टिफिशियल बी हाइव, जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, सो दैट वी सेव ऑन टू सम टाइम बेटा। ओके, अब इसका नेमिंग एक एक करके हमको याद रखना है बेटा। ओके, सबसे ऊपर की तरफ जो है दैट इज कॉल्ड एज आउटर कवर विथ क्राउन बोर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज इनर कवर। देन द नेक्स्ट बॉक्स इज कॉल्ड एज हनी सुपर। And inside this, what you find is these frames. So these are frames with wax foundation sheets. Next, this is called as queen excluder. These two dabbas are called as hive boxes. नीचे की तरफ ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एंट्रेंस रिड्यूसर। देन नेक्स्ट कम्स फ्लोर स्टैंड, और यू कैन कॉल इट एज फ्लोर बोर्ड ऑल्सो बेटा। ओके, एंड लास्ट इज बॉटम स्टैंड। ऑलराइट, चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एपिकल्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बी कीपिंग। यहां हम लोग मधुमक्खी को आर्टिफिशियली पालते हैं ताकि उनसे हमको ज्यादा से ज्यादा हनी और वैक्स मिल सके बेटा। अब इसमें सबसे पहली एक्स्ट्रा जरूरी बात यह है, रिमेंबर तुमको मालूम है व्हाट इज प्रोपोलिस। प्रोपोलिस इज नथिंग बट इट इज बी ग्लू। ओके, हनी बी से मिलने वाला एक केमिकल पदार्थ है। ये किसके काम आता है बेटा? दिस इज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। सो बहुत सारे जख्म में ये मलम के तौर पे लगाने के लिए काम आता है बेटा, और जख्म को भरवा के भी देता है। इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स आल्सो, बिकॉज ये केमिकल के पास एंटी माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ वाली प्रॉपर्टी है, और सूजन के खिलाफ वाली प्रॉपर्टी है, दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। नेक्स्ट, हनी बीज के चार कॉमन वेराइटी है बेटा। पहला है एपिस डॉर्सेटम, नेक्स्ट इज एपिस फ्लोरे, देन कम्स एपिस मेलिफेरा, एंड लास्ट इज एपिस इंडिका। अब इसमें से एपिस डॉर्सेटा का दूसरा नाम है रॉक बी, ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड बी। एपिस फ्लोरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल बी। एपिस मेलिफेरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोपियन बी। देख, एम को ऐसे लिखते हैं ना, वो एम को खड़ा कर दो तो ई बन जाएगा, सो वैसे याद रखना है यूरोपियन बी। और लास्ट अपना देसी है, दिस इज कॉल्ड एज इंडियन बी। अब ये चार वेराइटी में से एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। सो अक्सर है ना, यही दो वेराइटी को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है। सो इनमें से डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज कौन सा है, तो शॉर्टकट याद रखने का आई एम डोमेस्टिकेटेड। I यानी एपिस इंडिका, M यानी एपिस मेलिफेरा। ओके, सो ये दोनों को हम लोग डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज बोलेंगे, याद रखो बच्चों। मूविंग ऑन, एक पूरे के पूरे एपिकल्चर में बी कीपिंग में हमको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हमको चाहिए आर्टिफिशियल बी हाइव बॉक्सेस। With comb foundation sheets,
इसके साथ में हमको चाहिए बी व्हील। बी व्हील ना एक तरह की हैट होती है, ओके, पूरा है ना चेहरा ढका रहता है, यहाँ है ना जाली लगी रहती है, मच्छरदानी कैसे होती है बेटा वैसा, ताकि वो हनी भी आके हमको काटे नहीं, क्योंकि हनी भी आके अगर एक बार हमको काट लिया, वन पप्पी इट गिव्स पप्पा इट बिकम्स, सूज जाता है ना बेटा, ओके राइट। सो उससे बचाने के लिए जो हैट और जो जाले का इस्तेमाल करते हैं ना, जो पहना जाता है चेहरे के ऊपर, उसको बोलते हैं बी व्हील। अच्छा, इसके साथ साथ में बी ब्रश, झुंड पकड़ने के लिए स्वाम नेट, क्वीन एक्सक्लूडर, हनी बीज को भगाने के लिए, स्मोक पैदा करने के लिए स्मोकर, अनकैपिंग नाइफ, ग्लव्स एंड गम शूज, बड़े बड़े जूते ताकि पूरा शरीर ढका रहे बेटा, ओके। अच्छा, इसके अलावा हनी बीज को हम यूजुअली कौन से क्रॉप्स में ग्रो कर सकते हैं? सो सनफ्लावर, सैफ फ्लावर, कैबेज, कुकुम्बर, लेग्यूम्स, एप्पल, मैंगो, सिट्रस, ये क्रॉप्स में अगर आप हनी बीज को साथ में ग्रो करोगे, कल्टीवेट करोगे, यानी बी कीपिंग करोगे ना, सो ये क्रॉप का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा बेटा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, एंड इवन हनी बीज से मिलने वाला जो हनी है और वैक्स है, उसका क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगा आपको, ये समझे बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिया? ओके। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट फिशरीज के बारे में पढ़ेंगे। फिशरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिसीकल्चर बेटा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पिसीकल्चर? बिकॉज फिशेस का ओरिजिनल वर्ड इज पाइसेस। सो पिसीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिश फार्मिंग। ओके, अब इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है? एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर वन, इंडिया हैज इनलैंड एक्वेटिक एरिया ऑफ अबाउट 40 to 50 lakh acres। ओके, सो 40 to 50 lakh याद रखो बेटा, इतनी एरिया हमारे पास अवेलेबल है फॉर फिशरीज बेटा। नेक्स्ट, इंडिया हैज कोस्टलाइन ऑफ अराउंड 7,500 किलोमीटर। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखो। नेक्स्ट, फिर मछलियों में फ्रेश वाटर फिश इसके ना तीन एग्जाम्पल है बेटा, फ्रेश वाटर फिशरी। फर्स्ट इज लेबियो रोहिटा, इस मछली का दूसरा नाम है रोहू। सेकेंड मछली है काटला काटला काटला, ये मस्त है, काटला काटला काटला, ये मछली का नाम है बेटा। ओके, अच्छा,
तीसरी जो मछली है उसका नाम है सिरहिना मृगला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मृगल। ओके, तो ये तीनों एग्जाम्पल बाय हार्ट करके रखो बेटा। फिर जो मछली सॉल्टी वाटर में मिलती है, मरीन वाटर में, उसको हम लोग बोलेंगे मरीन फिशरी। अब मरीन फिशरी में पहला एग्जाम्पल है हर्पेडॉन, जिसका दूसरा नाम है बॉम्बे डक। सेकेंड एग्जाम्पल इज सार्डिनेला, अनदर नेम फॉर इट इज सार्डाइन। थर्ड नेम इज रास्ट्रेलाइगर, डबल एल, ओके, रास्ट्रेलाइगर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेरल। एंड फोर्थ नेम इज स्ट्रोमैटियस, ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉम्फ्रेट। ओके, अच्छा अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। हर्पेडॉन ऐसा लाइक इट्स लाइक साउंडिंग लाइक घर पे डॉन आया। ओके, सो ऐसे याद रखो, घर पे डॉन आया, सरदार ने राष्ट्र के लिए बोला कि मैं लड़ूंगा उससे। सो घर पे डॉन इज हर पे डॉन, सरदार यानी सार्डिनेला, राष्ट्र इज रास्ट्रेलाइगर, मैं इज स्ट्रोमैटियस। ये एक मैं याद रखो, इधर भी मैं याद रखो, रास्ट्रेलाइगर इज मैकेरल, स्ट्रोमैटियस इज पॉम्फ्रेट बेटा। ओके, सो ये यहां पर फिनिश हो जाता है। अच्छा, तीसरा टाइप का जो फिशरी है ना, दैट इज कॉल्ड एज एस्चुराइन फिशरी। एस्चुराइन फिशरी के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज एन एस्चुरी। एस्चुरी इज अ प्लेस वेयर रिवर वाटर मीट्स सी, जहां नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है ना, उस जंक्शन को हम लोग एस्चुरी बोलते हैं बेटा। ओके, अब एस्चुरी का कॉमनेस्ट एग्जाम्पल कहां पर है बेटा, दिस इज सीन इन सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। मूविंग ऑन, फिश फार्मिंग के लिए अलग अलग तरह की जगह बेटा, मछलियों को अलग अलग जगह में रखा जाता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सकवेशन ऑफ पॉन्ड। एक्सकवेशन ऑफ पॉन्ड यानी खड्डा खोदते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो छोटा सा पानी का कलेक्शन बन जाता है जिसको पॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद मछलियों को रखा जाता है इन हैचरी टैंक, उसके बाद जब हैचरी टैंक में ना सारे अंडे रखे जाते हैं, अंडे हैच होंगे ना तो हैचरी याद रखो, फिर वो जब हैच हो जाते हैं ना, थोड़ी मछलियां बड़ी हो जाती हैं, तो उनको रखा जाता है नर्सरी टैंक में। फिर जब वो और बड़ी हो जाती हैं, तो उनको रखा जाता है रेयरिंग टैंक में, और बड़ी हो जाएंगी तो बेटा फिर उनको रखा जाएगा स्टॉकिंग टैंक में। जैसे तुम कैसे शुरुआत में घर पे, फिर नर्सरी जाते हो, उसके बाद स्कूल में जाते हो, फिर कॉलेज में जाते हो ना बेटा, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो। ओके, इसमें देखो ज्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिख रहा हूँ बिना किसी टाइम पास के बेटा। सारी इन्फॉर्मेशन तुम कट टू कट याद रखो, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स नीड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट, अगर तुम किसी फिश फार्मिंग में एक ही तरह का मछली रख रहे हो तो उसको बोलेंगे मोनोकल्चर। बात ये, इतना सारा मछली अगर पकड़ के रखा और संभाला नहीं उसको तो मछली सड़ जाएगा। सो अभी मछली को सड़ने से बचाने के लिए we need to understand what are the methods
ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। सो द फर्स्ट मेथड इज सॉल्टिंग, नेक्स्ट मेथड इज ड्राइंग, नेक्स्ट कम्स चिलिंग, नेक्स्ट कम्स सन ड्राइंग, देन कम्स स्मोक ड्राइंग, नेक्स्ट इज फ्रीज ड्राइंग, एंड देन कम्स स्कैनिंग। ओके, यानी मछली पे नमक लगा के रखो तो मछली सड़ेगी नहीं इतना आसानी से, सूखा रखो उसको, ओके गीला रहेगा तो सड़ जाएगा बेटा, ओके ठंडे में रखो उसको, धूप में सुखाओ, धुएं की मदद से उसको सुखाओ, या तो फिर उसको फ्रीज ड्राइंग करो, एकदम ठंड में रखो बेटा, या तो उसको अलग अलग डब्बे के अंदर रखो, कैन के अंदर, एयर टाइट कैन के अंदर, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको अटैक नहीं कर पाए बेटा। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बेटा, फिश बाय प्रोडक्ट्स। मछलियों से हमको क्या क्या मिलता है बेटा? ओके, सो मछलियों से हमको मिलेगा नंबर वन तेल मिलता है बेटा, कॉड लीवर ऑयल। ओके, सो फिश ऑयल इज वेरी फेमस। नेक्स्ट वी गेट फिश मील। नेक्स्ट वी गेट फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फिश। नेक्स्ट उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स फिश गुआनो। ओके, अच्छा अदर देन दैट वी गेट फिश ग्लू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वी गेट आइसिन ग्लास। एक बात याद रखना, आइसिन ग्लास इज नॉट अ ग्लास, ये कोई कांच नहीं है, आइसिन ग्लास एक तरह का जिलेटिन है, जिलेटिन जैसा मटेरियल है जो तरह तरह के जेलीज बनाने के काम आता है बेटा। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ब्लैडर ऑफ द फिश, एयर ब्लैडर ऑफ द फिश में से ये ऑब्टेन किया जाता है, तरह तरह के जेलीज बनाने के काम आता है। उसके अलावा भी उसके और भी बहुत यूजेस है, बट बेसिक इतना ही याद रखो बेटा। अच्छा, इसके अलावा रिमेंबर ये सारा मटेरियल किधर काम आता है, दिस मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, एंड मछलियों से तरह तरह की मेडिसिन भी बनती है। ओके, लास्ट पॉइंट ये तुमसे पूछ सकते हैं, डैश एंड डैश हैव मार्केट वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द आंसर इज प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स, समुद्री जीव है बेटा। ओके, प्रॉन्स झींगा बोलते हैं इसको, ये भी खाया जाता है, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स खाया जाता है बेटा, हैव कमर्शियल मार्केट वैल्यू, पैसा मिलता है ना इससे बेटा, so they have commercial market value all over the world. Okay, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Yeah, all right बच्चों, so this was a very short and crisp to the point lecture with respect to apiculture and with respect to fish farming. इसके अलावा एनसीईआरटी का बेसिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आने वाले लेक्चर में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके आऊंगा बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ते रहो बेटा। ये सारे जो चैप्टर्स देते हैं ना, ये तुमको बेवकूफ बनाते हैं, तुमको लगता है कि ये चैप्टर्स कैसे बहुत ड्राई है, इसमें क्या सीखने का है, पर नीट एग्जाम में ना मोस्टली मार्क्स इन चैप्टर्स में ही चले जाता है बेटा। सो रादर मैं ये एडवाइस करूंगा कि ये चैप्टर्स को तुम एकदम ध्यान से पढ़ो, इसका प्रैक्टिस करो, बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो है, ओके बॉटनी के हैं, जुअलॉजी के, जुअलॉजी और ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा बेटा, एक एक बात तुमको अच्छे से सिखा दूंगा, पर ये सब है ना तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट, टिल देन कीप रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। ओके बाय।